नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी जो रखे आपको हर पल अपडेट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंदेशक न्यूज़ में। साथियों, आप अंदेशक मानदेय को लेकर एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है। क्या है वो खबर, हम आपको पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे क्या है मानदेय अपडेट अंदेशकों के मानदेय अपडेट को लेकर। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अंदेशक मानदेय बजट अपडेट नवंबर माह के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि एक से दो दिन के अंदर आप सभी की ग्रांट जारी हो जाएगी। अंदेशकों के मानदेय यानी कि नवंबर माह का जो मानदेय है वो एक दो दिन के अंदर ग्रांट जारी हो जाएगी और उसके बाद सभी ज़िलों में प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर अंदेशक हिमांशु वर्मा है रायबरेली से, उन्होंने ये अपडेट दी है और बताया है कि नवंबर माह का मानदेय जल्द से जल्द आपके हाथों में होगा, जिसकी ग्रांट जारी होने का एक दो दिन के बीच में बताया है। उन्होंने हर हाल में बताया है कि हर हाल में एक दो दिन के अंदर आपके मानदेय जो है जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी मानदेय को लेकर अपडेट। साथियों, आज की दूसरी खबर, स्कूल पहुंचने और छुट्टी के बाद शिक्षक अपलोड करेंगे सेल्फी। बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में शिक्षकों को समय से स्कूल नहीं पहुंचने व समय से पूर्व भी स्कूल से जाने की शिकायतें पर जल्द अंकुश लग सकता है। साथियों, शासन स्तर पर इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगले दो माह में ये कवायद शुरू कराई जा सकती है। इसके तहत सुबह स्कूल पहुंचने और स्कूल की छुट्टी होने के बाद शिक्षकों को विभागीय पोर्टल पर यानी कि जियो टैगिंग के तहत सेल्फी अपलोड करनी होगी। लेकिन योजना की भनक लगने के बाद शिक्षक नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि इस प्रकार की योजनाओं के शिक्षक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेल्फी नहीं अपलोड करेंगे शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षक महासभा के शिक्षक नेता जितेंद्र पाल गंगवार जी का कहना है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक बगैर संसाधनों के यानी कि बगैर संसाधनों के मोबाइल से भी विभिन्न ऑनलाइन कार्य करने में जुटे हुए हैं। यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि सेल्फी अपलोड करना शिक्षकों की निजता पर प्रहार करने जैसा है। सेल्फी अपलोड करने वाले निर्देश का पुरजोर से विरोध किया जाएगा। युवा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह बताया कि शिक्षक किसी भी दशा में ये कार्य नहीं करेंगे। ये थी आज की अंदेशक न्यूज़ पर दो बड़ी खबरें, अंदेशक मानदेय को लेकर और सेल्फी को लेकर आज की ताज़ा खबरें। मिलते हैं किसी और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप सभी की सेवा में आपके पसंदीदा चैनल अंदेशक न्यूज़ पर। एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें और सभी को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।